सोलन सदर सीट से टिकट की मांग कर रहे कांग्रेस नेता पलकराम कश्यप ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। मंगलवार को शिमला में पार्टी कार्यालय में पलकराम कश्यप और उनके साथी चतर सिंह रघुवंशी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पलकराम कश्यप के कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने से अब सोलन सदर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस को इससे फर्क पड़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों की राह आसान नहीं रहने वाली है। पलकराम कश्यप 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन अब 2022 में भी टिकट न मिलने से उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। आज सोलन विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी नेता पलकराम कश्यप जी पार्टी से जुड़े हैं और साथ ही साथ पूर्व में पंचायत प्रधान और भिन्न भिन्न पदों पे रहे, जो भिन्न भिन्न पदों में कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और जिन्होंने करीब करीब 50 साल से ज्यादा, या आप ये कह सकते हो कि पूरी उम्र कांग्रेस को दी, पर आज इनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको कांग्रेस में लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए और वहां पे वो सब चीजें नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आज बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और मैं पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से तहे दिल से इन लोगों का स्वागत करता हूं, और ऐसे बहुत सारे जो कांग्रेस और भाजपा में कर्मठ, ईमानदार, जुझारू ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी तक अपनी इन पार्टियों में लगा दी, पर एक परिवारवाद के चलते हुए, एक वंशवाद की राजनीति के चलते हुए जिनका दम घुट रहा है। तो ऐसे अच्छे लोगों का पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, आम आदमी पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि यह किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक विचार की पार्टी है और उस विचार के चलते एक विकास की पार्टी है, और जो सत्ता नहीं व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बदलना चाहती है। तो सेवादार है, हम पार्टी में रहकर सेवा करना चाहते हैं, और ये पार्टी हमें अच्छी लगी है कि जैसे केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, और कुछ जितनी भी और योजनाएं हैं, हमें लगता है कि अगर मान लो ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश में भी लागू हों और लोग इससे इनको फायदा हो। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुरजीत ठाकुर जी, और मैं कोशिश करूँगा कि भी यहाँ भी मुझे सेवा का मौका मिले तो मैं लोगों की दिल जान से सेवा करूँगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत बेहतर है, अब दिल्ली मॉडल में, दिल्ली का जो मॉडल है वो हमें पसंद आया, केजरीवाल जी की नीतियां हैं और जो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, तो इस तरह से हम भी स्वच्छ सभी से अपना काम करना चाहते हैं, और हमने इसलिए आज जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा है।